नमस्कार दोस्तों, कल कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी ने आपका एग्जाम पैटर्न 2021 जो पहले भी डाला था, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, बड़े बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। किस प्रकार आपको पेपर करना है, क्या क्या कौन सी यूनिट पढ़नी है, कितना आपको पढ़ना है, सारी आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चाएं करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न को लेकर, एक एक चीज आपको मैं समझाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और हम बात करेंगे कि आपके ये किस किस के लिए लागू होगा, क्या सभी कोर्सेज के लिए लागू होगा, बीए बीएड बीएससी बीएड या ओनली बीएससी के लिए, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं क्या है। कि देखिए, जैसा कि आप देख चुके होंगे, कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 एग्जाम पैटर्न 2021 यानी 2021 में आपके एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम होंगे तो उसमें क्या पैटर्न होगा। देखिए, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी यूनिवर्सिटीज के पास कि हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज कीजिए, तो यूनिवर्सिटी ने चेंज किया। लेकिन जो डिमांडें थी वो सिलेबस कम करने को लेकर भी थी कि सिलेबस कम किया जाए, तो यूनिवर्सिटी ने कहा सिलेबस कम नहीं होगा, हम पेपर को छोटा कर सकते हैं। पेपर को आपको 3 यूनिट करनी है, किस तरह करनी है। देखिए, आपका पेपर सबसे पहले 3 घंटे का पेपर होता था पहले, अब उस पेपर को कर दिया गया है 2 घंटे का। एक एक चीज समझिए, 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलते थे, लेकिन अब आपको मिलेंगे सिर्फ 2 घंटे पेपर, और इतने घंटे में आपको कितना पार्ट करना है। ये देखिए, आपका जो पेपर है वो 3 खंडों में विभाजित है, 3 सेक्शंस में विभाजित है, ए ब और स। ठीक है, 3 सेक्शंस में आपका पेपर विभाजित है। पहले सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बी में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, और जो सेक्शन है वो सी सेक्शन है, उसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। ये है अति लघुरात्मक, ये लघुरात्मक और ये निबंधात्मक, यानी ये तो एक लाइन वाले क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा विस्तार करना है, और इसमें बहुत ज्यादा विस्तार करने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए कितना पार्ट आपको इन क्वेश्चन का इनमें करना है। सबसे पहले इसमें 10 क्वेश्चन है, आराम से समझिए इस चीज को, 10 क्वेश्चन। तो इस 10 क्वेश्चन में पहले आपको 10 में से 10 करने होते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है। देखिए, पहले भी एग्जाम पैटर्न आया था, वो उससे अलग है ये एग्जाम पैटर्न। पिछले जो एग्जाम पैटर्न आया था 2 या 3 महीने पहले, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अब इस एग्जाम पैटर्न में चेंज कर दिया है। आराम से समझिए इस चीज को कि 10 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से करने हैं, क्वेश्चन अनिवार्य रूप से, ठीक है, और इसमें 10 में से 6 क्वेश्चन, और बी सेक्शन है जो लघुरात्मक प्रश्न है, उसमें आपको 10 में से क्वेश्चन 3 ही करने हैं। ध्यान से समझिए इस चीज को, बहुत से दोस्तों के इसमें कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से दोस्तों के डाउट हैं। 10 में से क्वेश्चन तो आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, 3 क्वेश्चन अलग अलग जो यूनिट होती है, अथवा वाले 10 क्वेश्चन इसमें अथवा में भी आते हैं, तो वो अथवा वाले दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं, अथवा वाले जो दोनों क्वेश्चन नहीं करने, ध्यान से समझिए, अथवा वाले दोनों क्वेश्चन नहीं करने, केवल मात्र एक ही क्वेश्चन आपको करना है। अब बहुत से दोस्त कह रहे थे पिछले जो एग्जाम पैटर्न आया था उसमें कहा था कि हम केवल मात्र 2 यूनिट पढ़ लें, 1.5 यूनिट पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन तो 3 ही करने इसमें, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको अलग अलग यूनिट के करने हैं, अलग अलग यूनिट के, यानी जो अथवा में एक क्वेश्चन आपका आ गया, वैसे इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन इसके अथवा में आते हैं, तो 5 जो क्वेश्चन है वो उसमें से आपको 3 करने हैं, 5 क्वेश्चन है इसमें से 3 करने हैं, अथवा वाला आपको क्वेश्चन नहीं करना, याद रखना है ये चीज, इंपॉर्टेंट चेंज है, अथवा वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना। और ये जो सी सेक्शन है इसमें से पहले आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चन नहीं करने, इस बार केवल मात्र आपको केवल 1 क्वेश्चन करना है, केवल 1 क्वेश्चन करना है। तो ये दोस्तों आपका सेक्शन है। अब देखिए, बहुत से दोस्तों के ये क्वेश्चन होंगे तो फिर नंबर किस प्रकार मिलेंगे, नंबर आपको इसी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसी का रेशियो निकालकर, अनुपात निकालकर 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इसकी पूरी जानकारी आपको जब आपके एग्जाम होंगे उस समय आपकी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी कि किस प्रकार आपको एग्जाम में ये आपको अंक विभाजित होंगे, किस प्रकार आपको अंक मिलेंगे, तो ये उस वक्त जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन होगा, 3 घंटे में से 3 घंटे नहीं मिलेंगे, 2 ही घंटे आपको करने हैं, और ये आपके
सेक्शंस हैं, इस प्रकार आपको क्वेश्चंस करने हैं सारे। और ये देखिए आपके जो नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ साफ लिख रखा है कि जो बीएड है, एमएड है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीसीए वाले हैं, तो उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो 2020 के लिए ही रहेगा, जो 2020 वाला है। ये किसके लिए रहेगा? बीएससी वालों के लिए, बीएससी बीए और बीकॉम वाले जो कोर्सेज हैं उनके लिए ये कोर्स, ये आपका एग्जाम पैटर्न लागू होने वाला है। तो आप अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ ताकि इस जानकारी को और भी छात्र देख सकें, उन्होंने भी जो कंफ्यूजन है वो आराम से दूर कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आज के इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इतने के और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।